हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। एंड काफी सारे स्टूडेंट मुझसे बात कर रहे थे कि सर आप काइंडली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू नो अपलोड कर दीजिए, बट टू बी ऑनेस्ट समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है और मैं अलग से फिर क्वेश्चंस नहीं बना पाऊंगा। मैंने नोट्स तैयार करके रखे हैं जो कि एग्जामिनेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो नोट्स मेरे पास कंप्लीटली रेडी है और उन्हीं नोट्स को मैं डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं अलग से क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। जो लोग मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं अगर वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं वहां पे देने के बारे में, तो मैं स्क्रीनशॉट वहां पे प्रोवाइड कर दूं पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का। बट वीडियो के माध्यम से मैं इस सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर किसी को नोट्स लेने हैं मुझसे, ठीक है ना, अगर किसी को नोट्स लेने हैं तो आप मुझसे ले सकते हैं। प्राइसेस अभी बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पर पेपर में हम नोट्स को गिव अवे कर रहे हैं। ठीक है, प्राइसेस अर्लियर टाइम पे बहुत ज्यादा थी बट अभी सिर्फ 100 रुपीज पर पेपर पे अवेलेबल है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी। आपको बस मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप करना है मेरे फोन नंबर पे, विच इज 8101065300। तो ये देखो, ये सारे के सारे नोट्स हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करके चलूंगा ताकि आपके पास सफिशियंट टाइम हो उसको स्क्रीनशॉट लेने का, अगर आप लेना चाहें तो। ठीक है ना, तो यहाँ से आप ले सकते हैं या फिर आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं टू गेट दिस नोट्स। फॉर दैट यू विल हैव टू पे 100 रुपीज पर पेपर, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। 8 रुपए के सिर्फ 800 रुपए में आपके जो है सारे के सारे पेपर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, समटाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है जो मैंने दिया है वो नहीं पूछा गया बट उससे रिलेटेड कोई चीज पूछा गया है ना, तो वो चीजें रिलेटेड होती हैं। आपने जो आंसर पढ़ा है आप उसी को वहां पे लिख भी सकते हो, घुमा फिरा के वो लोग सवाल पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि सवाल जो मैंने लिखा है वही पूछ देंगे या जो पिछले साल आया था वही पूछ देंगे, वो लोग पूछेंगे उसी चैप्टर में से जहां से मैं दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा घुमा करके पूछेंगे। तो आप अगर आंसर्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको वो आंसर्स आप आराम से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो मेरा तो कहना यही होगा कि आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए मैं क्वेश्चन पे पॉज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आंसर्स पे अगर मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल डाउन करूंगा तो सुबह हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस पे पॉज कर रहा हूँ, आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए तो आप यहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूँ नोट्स हमारे पास सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं एट माई नंबर विच इज 8101065300। ठीक है, तो मैं और कुछ नहीं कह रहा, आप बस इसको देख लो। कुछ कह भी देता हूँ, एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आपने अच्छी तरीके से कर ली अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाएं तो अपना एडमिट कार्ड साथ में लेकर के जाएं। एडमिट कार्ड ने तो आप लोग लेकर के जाना ही है, आईडी कार्ड, ठीक है, मैं आईडी कार्ड कहना चाह रहा हूँ, आईडी कार्ड आपको साथ में लेकर जाना जरूरी है। लेकिन की जो आईडी कार्ड है जो आपने एडमिशन के टाइम पे आपको मिली होगी उसको और एडमिट कार्ड को दोनों को साथ में लेकर के जाना है ताकि आप एग्जाम हॉल में बैठ पाए। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो हो सकता है कि वो लोग आपको एग्जाम हॉल में भी ना बैठने दें। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एडमिट कार्ड के साथ अपना आईडी कार्ड भी साथ में लेकर के जाए। ठीक है ना, मैं वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड की बात नहीं कर रहा, आईडी कार्ड मतलब जो इग्नू ने आपको इशू किया है कि आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आप इग्नू से ये वाला कोर्स कर रहे हो, वो साथ में लेके जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टेट द मीनिंग ऑफ रोल, स्टेट द मीनिंग एंड रोल ऑफ एन मिडिल मैन, है ना, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात कर रहे थे, तो भाई ऐसा थोड़ी पॉसिबल है यार, तुम लोग एकदम एग्जाम के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहोगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर पाना, है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस में अभी प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, जब आपका एडमिशन हो जाता है, जब आपका अगला सेशन कम से कम स्टार्ट हो जाए उस टाइम पे आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करें, है ना, ताकि मैं मुझे सफिशियंट टाइम हो मेरे पास सिलेबस कंप्लीट कराने का। आप लोग टाइम ही नहीं देना चाहते हो, एकदम एंड में आकर के बोलते हो सर मुझे क्लास करनी है, तो कितने टॉपिक्स में करा पाऊंगा। तो इसलिए मैंने नोट्स रेडी कर लिए हैं, नोट्स जिनको भी चाहिए आप ले लें, क्लासेस के बराबर ही नोट्स हैं और कम प्राइसेस भी हैं। अगर आप क्लासेस करेंगे तो 300 रुपीज पर पेपर मैंने 300 रुपीज पर मंथ मैंने जो है प्राइस रखा था क्लासेस का, जो कि अभी भी है। अगर कोई क्लासेस करना चाहे तो मैं उसको करा सकता हूँ, बट वो सेशन स्टार्ट से होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम में कुछ दिन बचा हुआ आप अभी बोलोगे कि भाई सर क्लास कराइए, वो पॉसिबल नहीं है, सॉरी। सो यस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी फटाफट यहाँ पे वीडियोस बना करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।